हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में 2025 के अंदर होने वाले है कुंभ मेला। अब कुंभ मेला क्या है, कहां कहां होता है, सबको पता होगा ही। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में उन अपडेट्स के बारे में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुंभ मेले के लिए तैयार किए हैं। गवर्नमेंट ने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स करने की सोची है, साथ ही टूरिस्ट और जो श्रद्धालु वहां आएंगे इनके लिए काफी सारी फैसिलिटीज बनाने का भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। मतलब एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट कुंभ मेले के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो पैसा वापस आ ही जाता है, मतलब वो पैसा डूब जाए ऐसा नहीं होगा। ये कुछ समय पहले का ही आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है, लगभग 9000 करोड़ में 400 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन महाकुंभ के लिए प्रयागराज में रखा जा रहा है। अब हो सकता है आप लोगों को लगे कि भाई इतना क्या बना रहे हो, 9000 करोड़, बाप रे। ये ठीक है क्योंकि महाकुंभ में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हर कोई जानता है कितनी भीड़ होती है। तो एक अच्छी बड़ी रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन करना है सबसे पहले तो, और इसके अलावा रोपवे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रोड वाइडनिंग, फ्लाईओवर्स, रेलवे ओवर ब्रिजेस, एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम, परमानेंट बाथिंग घाट्स यानी जहां पे लोग गंगा में नहा सके, स्नान कर सके, ऐसे घाट्स बनाने हैं परमानेंटली। और इसके अलावा सीवर लाइन्स हैं, पीने का जो पानी है उसकी लाइन्स बिछानी है। उसके अलावा द्वादश माधव मंदिर हवा और अक्षयवट है जो अगर आप तरफ गए होंगे आपने देखा होगा, तो इनको रेनोवेट करना है। तो इसके अलावा मनकामेश्वर टेम्पल और बड़े हनुमान मंदिर है उधर, दोनों का ही एक्सपेंशन भी करना है इन्हीं पैसों से। मतलब ये तो मैंने कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ऐसे ही टोटल 400 प्रोजेक्ट्स है इसमें। लेकिन हाँ, सिर्फ मंदिर वगैरह के ही प्रोजेक्ट्स नहीं है, जैसे मैंने बताया रिंग रोड है, सीवर लाइन है, ये सब जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये भी इंक्लूडेड है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, टूरिज्म, पब्लिक वर्क्स, जल निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीडीए, निर्माण निगम और भी काफी सारे, इन सब लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है उन सभी कामों के लिए जो कि इनके डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रहे हैं। और ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाने ठीक है क्योंकि इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स की मदद से हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं उस जगह का, और जो भी लोग टूरिस्ट श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी और इसके थ्रू अपने टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट कर पाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ज्यादा बेहतर और बेटर फैसिलिटीज लोगों को दे पाएगा। बाकी आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या ये ठीक है ये पैसा लगाना महाकुंभ जैसे कुंभ के लिए, या आपको लगता है कि नहीं जरूरत क्या थी, सालों बाद महाकुंभ होता है, जो फैसिलिटीज ऑलरेडी थी वो भी इनफ ही थी, एक्स्ट्रा की क्या ही जरूरत थी। तो आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो में अभी इस अपडेट के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलूंगा फिर से नई वीडियो में किसी मस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।